जो जैसे था वैसे हो जाए, यथा स्थिति वैसे रहे। बैठाओ है ऊपर, इनका का नाम है कुलदीप जी, मनोज अरे मसारे भाई कभी अभी चश्मा लगा ली मैंने, एक हाथ उठाई थी दोनों हाथ ने उठाई पीछे आन के चश्मा ना लगाओ तो बात ठीक नहीं, खाली पट्टी दिखाओ पहले पैरों मोर हिंदी सोशल ए घरा पीछे हो करके बैठो। अरे हम महिलाएं नहीं आएंगी। ए मनोज भाई यहां आके बैठ जाएंगे। बोलिए बोलिए छात्रे पिता जिंदाबाद 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 छात्रे पिता जिंदाबाद 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 रिजल्ट घोषित करो सही रिजल्ट और सामाजिक विज्ञान का बहुत जल्द आपके कदमों के नीचे आने जाना। जिस तरीके से आप लोग एंट्री वाले नहीं है क्या, एंट्री वाले नहीं है मनीष जी, ऐसे नहीं चलेगा। इनकी भी जाना साई नहीं चलेगी, आपकी भी नहीं चलेगी, आना पड़ेगा इधर। कदम से कदम मिलाकर साथ दीजिए, अब हम तन्हा नहीं रहेंगे, एक साथ हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट लेकर 15 विषयों का जो NCERT परीक्षा हुई है उसका सुखद समापन करेंगे। ये फैसला है हमारा। सुनील हिंदी हमारे अतुल्य अकादमी के डॉक्टर सुनील सर जो हैं आए हुए हैं, उनके कोचिंग से बहुत सारे प्रतियोगी छात्र भाई और बहन भी यहाँ मौजूद हैं। ये बहुत अच्छी पहल है, कोचिंग वालों का भी साथ मिल रहा है और मेरा ये मानना है कि जब तक हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक इस इलाहाबाद की मुकद्दस जमीन पर मौजूद जितने भी कोचिंग संस्थान हैं जो हिंदी और सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं उनको कम से कम अपनी कोचिंग बंद कर देना चाहिए और रिजल्ट निकलवाने के लिए पूरा सहयोग और समर्थन करना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर सुनील सर जो है अतुल्य अकादमी के, वो मंच पर आए और आकर जो है अपने विचार रखे। हेलो
आप सब साथ अंदर हैं। मैं डॉक्टर सुनील मिश्रा अतुल्य अकादमी से आपका सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, यहाँ उद्देश्य ये नहीं है कि हम सब यहाँ राजनीतिक कोई बात करें, परम स्पष्टता यह जाना जा सकता है बात केवल सामाजिक विज्ञान और हिंदी की नहीं, सामने पड़ी हुई थाली छोड़ने की। अगर हमने हमारे सामने रखी हुई थाली यद्यपि नहीं छोड़ी जा रही है, इसका कदापि मतलब नहीं होता कि हम सुरक्षित हैं। अर्थात यहाँ पर जो भी बात है, जो भी समस्या है, वो केवल आप देखिए सरकार बनी, उनकी नीतियां बनी, पर उनकी नियत नहीं बनी। अर्थात हमें अपने अधिकार का होना होगा और हम स्वस्थ चलते और आप हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, अधिकार कभी भी भिक्षा मांगने की तरह मामले से नहीं रहता, अधिकार को छीनना पड़ता है। और आप की बात है कि हम सब में दोस्त भी है, जुनून भी है और एकता भी है। जिस प्रकार से आप लोगों का संगठन बढ़ रहा है, क्रांतियां सदैव एक दो या दस व्यक्तियों से ही बनी। क्रांति में जिस प्रकार से विक्की खान, कुलदीप, अनिल उपाध्याय, शेर सिंह आदि जो नाम दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों का जो प्रयास अतुलनीय है, जिसकी कोई तुलना नहीं। इन लोगों को जितना की समर्पण भाव से लगातार कार्य कर रहे हैं, हमें सभी संस्थानों के साथ मैं आप समर्थन देता हूं, आप सब कभी सहयोग चाहता हूं कि हम सब हर पश्चिम के संस्थान के सभी सदस्यों के पास चलेंगे, सभी शिक्षकों से आग्रह करेंगे, चाहे वो समाज विज्ञान ही हो चाहे वो हिंदी ही हो, जुनून को साबित करने के लिए मौका मिलना चाहिए। और जिस प्रकार से ये मौका मिल रहा है, क्या लगता है आपको, आपकी प्रतिभा धरी भी धरी रह जाएगी और हम सब यहाँ से इसी तरह रोज प्रोटेस्ट करके वापस चले जाएंगे। लेकिन हम सबको प्रतिबद्ध लेना होगा संकल्प। मित्रों, यहाँ केवल भीड़ जुड़ाना ही हम सब नहीं है, बल्कि अपने उद्देश्य को पूर्ण करते हुए एक तैनात करनी है। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं और जितने भी लोग खड़े हैं, सबको सब शिक्षक और किसी भी देश में क्रांति का आगाज सब और सब शिक्षक को चलते हैं। आगे चल करके चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो चयन होने की बात हो, या कहीं पर कोई भी आयोग मनमानी नहीं करेगा, अन्यथा समय समय पर रूप बदल बदल करके केवल हम शिक्षा आगे जाएंगे तो हमारा विरोध किसी सरकार या किसी संस्था से नहीं। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ है कि हमारी मांगे पूरी हो और उचित समय पर सारी घटना पूरी की जाए। और यहाँ पर मैं जितने भी भावी शिक्षक मौजूद हैं और यहाँ के कुछ अगर शिक्षक भी आए हैं, और यहाँ मैं अपने इन समस्त बहनों और भाइयों से निवेदन भी करूंगा कि कोचिंग या फिर किसी भर्ती अगर है ही नहीं तो कोचिंग संस्थान कैसे चले। मान लो मैं अपने यहाँ, मान लीजिए कि मैं अपने यहाँ यूपी टॉपर बैठाया हूँ, 150-200 यूपी टॉपर, लेकिन वो यूपी टॉपर कब तक बनेंगे जब हम मौका पाए, मौका मिल ही नहीं रहा है। और ये सब तभी हो सकता है जब जुनून हो, जज्बात हो, ना कि 12 बजे की चावल दाल खाकर और सोने की मांग किया जाए। हमें सबको बनाना होगा और हाथ बहुत ज्यादा आग्रह भी किया था कि भाई की बहुत कम से लीजिएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ अपनी कोचिंग बंद करके आया हूँ क्योंकि नहीं देखी जा रही। जाहिर सी बात है इसमें 15 से घर के ही लिए नहीं मिलेंगे, आप मानिए कि लाख डेढ़ लाख लोग प्रभावित होंगे, हम अपने लिए नहीं सभी के लिए काम करेंगे। इसलिए मित्रों, एक साथ हम मिलते हैं, हर कोचिंग के संस्थान में चलते हैं, मेरे साथ अगर कोई चलना चाहे मैं चलने के लिए तैयार हूँ। आप जहाँ के लिए विनती कर करके यहाँ पर लाने का कार्य किया जाए और एक बार से घोष हो गया और सबके साथ एक बार बोलते हैं धन्यवाद सुनील सर, बहुत ही लाजवाब और शानदार आपका बताने का तरीका, पूरा जज्बाए जोश पैदा हो गया, जुनून पैदा हो गया। आप जैसे क्रांतिकारी साथियों की बदौलत हमें उम्मीद है कि हम जो जंग का आगाज किए हैं उस जंग को अंजाम तक पहुंचाएंगे। हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट लेकर 15 विषय की ज्वाइनिंग कराकर LP को कम्प्लीट करके 10,768 बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर करके 10,768 बेरोजगारों के परिवारों की बेरोजगारी दूर करेंगे और उनके घरों में चूल्हे जलने का काम होगा। क्योंकि हम लोगों ने
जो शुरुआत की थी एक नौकरी पाने की चाहत, और उस चाहत में इस कदर गूंज गए मेरे भाई की आज काली पट्टी भी बांध ली। आज काली पट्टी भी बांध लिए तो ये न कहे मेरे भाई, तो ये न कहे अरे हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं मेरे भाई। हम एल्टी रिजल्ट चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले। और कुछ चाहिए क्या एल्टी रिजल्ट के अलावा? हिंदी सामाजिक विज्ञान 13 विषय, हिंदी आए 14, सामाजिक आए 15 विषय परीक्षा हुई थी मेरे भाई। 15 विषय के लोगों को नौकरियां मिल जाए, फिर जो हमारे निचले पायदान पे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में एक टकटकी लगाए हुए, एक उम्मीद से देख रहे, एक अगर नौकरी की तलाश में भटक रहे, उन बेरोजगार भाइयों को भी एक मौका मिले। लगभग 9,500 शिष्य माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में है, 10,768, 9,500, लगभग 20,268 बेरोजगारों को नौकरियां मिल जाएंगी। सोच करके तो मेरे भाई 20,268 परिवार जुड़ेंगे, 20,268 परिवार के घरों के चूल्हे जलेंगे। बहुत बड़ी बात होगी, मैं उत्तर प्रदेश में हुकूमत को भी बताना चाहता, समझना पड़ेगा। ये बेरोजगारी का मामला है, बेरोजगारों के जज्बात का मामला है, मत के लिए सियासत। माना कि आपका पेशा सियासत करना है, लेकिन हमारा पेशा सियासत करना नहीं है, हमारा पेशा पढ़ाई करना है और पढ़ लिख कर एक नौकरी पाना है, ये हमारा पेशा। आपको हमने बुलाया इस उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर, हमने बुलाया, हुकूमत हमने दी, ताकत हमने दी आपको कि आप उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों के दर्द को समझेंगे। और आपने वायदा भी किया था साहब, आपने वायदा किया था। अरे सुनो सुनो उत्तर प्रदेश के नौजवानों, अरे सुनो सुनो, मैं कहता हूँ, मैं बताता हूँ कि 90 दिनों के अंदर आप उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों की सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। याद है आप लोगों की होगा का, याद है कि नहीं? ये उत्तर प्रदेश का नौजवान एक टकटकी लगाए आपकी तरफ देख रहा है कि आप जो है हमारे दर्द को महसूस करके हमारे बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आऊंगा आपके सामने, अभी फिर हमारे इस मोर्चे के जो रणनीतिकार हैं अनिल उपाध्याय जी, इनके साथ जो सबसे बड़ी समस्या, ये सुबह उठते हैं तो एंटी करके उठते, सोते हैं तो एंटी करके सोते, और चलते हैं तो भी एंटी दिखाई देती है, टहलते हैं तो भी बिस्तर पे, बाथरूम में, किचन रूम में, हर जगह एंटी। 24 घंटा हम लोग एंटी में मुबतला है कि वो दौर कब आए कि हमको नौकरियां मिले। और खास तौर से हमारा भाई अनिल उपाध्याय जी, जो हमारे साथ उनका संबंध 20 वर्षों का रहा है, भरी जवानी में आए लेकिन अपने सूत्र में नौकरी लेकर जाएंगे, ये हौसला है हमारा। हम चाहेंगे कि हमारे अनिल उपाध्याय जी जो है आपके सामने अपने विचार रखेंगे, फिर मैं भी आऊंगा, हमारे मोर्चे के अध्यक्ष जो है शमशेर सिंह भी आएंगे आपके सामने, बाकी भी वक्तागण जो है सबकी मौजूदगी होगी, सब अपनी अपनी बात रखेंगे। आज जो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज लग रहा है कि पूरा
दरी बताने दरी और चेहरे पर एक दरी एहसास हो रहा है कि अरुण से कहो एक दरी लेके आज सोमवार है आज लोक सेवा आयोग के आदरणीय अध्यक्ष महोदय नहीं मौजूद है मंगलवार होगा परसों शुक्रवार होगा शुक्रवार को साप्ताहिक मिलन कार्यक्रम है उनका आज हमने उनको मौका दे दिया है चाहिए चेयरमैन साहब चाहिए आप हमसे वार्ता करने से पहले एनटीजीआईसी को देख लीजिए आगरा राजकीय इंटर कॉलेज आगरा में ध्यान दे दीजिए तो आपका मन संतुष्ट रहेगा आपका जो दर्द है वो भी आप महसूस कर लेंगे बेरोजगारों का दर्द महसूस कर लेंगे जब राजकीय इंटर कॉलेज आगरा में व्याख्यान दे रहे होंगे तो वहाँ भी आपको बेरोजगार दिखेंगे वो एनटीजीआईसी वाले दिखेंगे और आप जो है एक फैसला करके वहाँ से आएंगे कल आपसे कल नहीं तो परसों बात होगी अब वहाँ का आखिरी बात होगी वो मुलाकात आखिरी होगी और एनटीजीआईसी का फैसला भी आखिरी हो जाएगा उस समय बहुत बहुत धन्यवाद मैं फिर आऊंगा आपके बीच तब तक हमारे भाई अनिल उपाध्याय जी अपने विचार आपके सामने रखेंगे